कि हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कैलकुलेशन। एक्सेल का यूज जैसे बताया था मैंने आपको कि एक्सेल की यूज कई सारी चीजों के लिए होता है, डेटा स्टोरिंग, कैलकुलेशन और बाकी चीजों पे भी होता है, तो कैलकुलेशन उसका पार्ट। कैलकुलेशन में हम फॉर्मूला की बात अभी नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन। क्या है मैथमेटिकल कैलकुलेशन, कैसे यूज होता है, अभी हम इस क्लास में आपके साथ इसी चीज को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम एक एक्सेल फाइल पे आते हैं। अब देखिए क्या होता है मैथमेटिकल कैलकुलेशन की बात क्या हो रही है, चीज को जानिए। जैसे मान लीजिए सिंपल सा कंसेप्ट बता रहा हूं कि 20 और 30 है, तो यहां पे हम सम का फॉर्मूला लगा देते हैं तो ये सम हो जाता है, या फिर मैं इस पे B3 प्लस C3 कर दूंगा तो ये आपके आ जाएगा। दोनों का रिजल्ट सेम आया और दोनों का रिजल्ट वही आया जो मैं चाह रहा था, तो फर्क क्या है दोनों में, तो चलिए इसी फर्क को हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली फर्क ये है कि ये जो है हमारा इनबिल्ड फॉर्मूला है, ठीक है, इनबिल्ड फॉर्मूला मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट ने मुझे बना के भेजा है, ओके। और दूसरा ये जो है हमारा, ये हमने मैथमेटिकल ऑपरेटर के जरिए कैलकुलेट किया है, मैथमेटिकल ऑपरेटर के जरिए हमने कैलकुलेट किया है। दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए ए तो इनबिल्ड है और ए लिमिटेड है, मतलब कि आप एक्सेल की इनबिल्ड फॉर्मूला, हमारे पास लिमिटेड फॉर्मूला है उसका आप यूज कर सकते हैं, राइट। लेकिन मैथमेटिकल कैलकुलेशन को अपने हिसाब से डाल सकते हो। चलिए कुछ एग्जांपल हम आपको देते हैं, कुछ एग्जांपल आपको खुद से करना है। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास क्वार्टर वन है, क्वार्टर टू है, क्वार्टर वन का सेल मान लीजिए 50 है, क्वार्टर टू का सेल मान लीजिए 30 है, मुझे इन दोनों का ग्रोथ पता करना है। अब ग्रोथ के लिए एक्सेल में हो सकता है कि फॉर्मूला ना हो, या है तो मुझे मान लीजिए पता नहीं है, सपोज दैट, क्योंकि पढ़ाया नहीं चाहिए, ठीक है। तो कैसे करें, तो मैथमेटिक्स अगर आपको नोटपैड में दूं तो नोटपैड में आप क्या करेंगे, नोटपैड में आप करेंगे कि भाई लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट डिवाइड बाय ओल्डेस्ट, मतलब कि क्वार्टर टू माइनस क्वार्टर वन डिवाइड बाय क्वार्टर वन, क्या क्लियर है, कोई डाउट इसमें, हाँ। तो एक कैलकुलेशन हम करते हैं, देखिए बताता हूं आपको, हाँ एक मिनट देख लीजिए। तो लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट डिवाइड बाय, तो क्या ये सही है कैलकुलेशन, क्या एंटर मारने पे रिजल्ट मेरा सही आएगा, ब्रैकेट ब्रैकेट मतलब कि दोनों के बीच में ब्रैकेट होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, पहले डिवाइड हो जाएगा उसके बाद जो है, ओके। अब आपका रिजल्ट आया कि ग्रोथ जो है माइनस में गया है,
आगे बढ़े, फिर कुछ और कैलकुलेशन करते हैं और उस कैलकुलेशन के साथ साथ हम डिस्कस करेंगे एक और कंसेप्ट की, कंसेप्ट फॉर्मूला मर्जिंग की। ठीक है, जैसे सपोज दैट कि मेरे पास प्रिंसिपल है, रेट है एंड टाइम, मतलब कि 50,000 रुपीज हमने 5% की इंटरेस्ट रेट पे 3 सालों के लिए दिया है, तो इसका अमाउंट क्या? अमाउंट के लिए ऑलरेडी फॉर्मूला है एक्सेल में, लेकिन मैं मुझे मान लीजिए कि उस फॉर्मूले के ऊपर हमारा ट्रस्ट नहीं है, उस फॉर्मूले के ऊपर हमारा ट्रस्ट नहीं है, तो इसके लिए मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है, मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है कि अमाउंट इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय 1 + r / n। n क्या है? n है कि भाई आपकी कैलकुलेशन कितने, क्या वीकली है, ईयरली है या फिर मंथली है, सॉरी मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली है। तो एन अगर ईयरली है तो 1 होगा, हाफ ईयरली है तो 2 होगा, क्वार्टरली है तो 4 होगा, मंथली है तो 12 होगा। ठीक है, तो ये मैथमेटिकल फॉर्मूला मैथमेटिक्स कहता है, हम टेक्स्ट बुक्स में अपने पढ़े भी होंगे, ठीक है ना। तो ए आपका आता है P multiply by 1 + r / n, ये थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आप देख रहे हैं थोड़ा सा लंबा है ना। तो एक इस लंबे कैलकुलेशन को कैसे करें, तो ये फॉर्मूला, हाँ ये फॉर्मूला लगेगा क्योंकि कैलकुलेशन लंबा है, थोड़ा सा एक साथ करूंगा तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स हो सकता है ना। तो इसमें बताता हूं आपको, इसका मैं करूंगा सबसे पहले r डिवाइड बाय n मतलब कि 12, फिर डालूंगा 1 + यहां पे इक्वल टू 1 + r / n हो गया, फिर पावर ऑफ t मल्टीप्लाई बाय 2 होल कर दिया मैं और दोनों का भी पावर आ जाएगा। तो हमने कैलकुलेशन समझ लिया, क्या किया हमने, सबसे पहले हमने क्या किया, इस कैलकुलेशन की r डिवाइड बाय n, ओके, फिर हमने इसमें 1 + कर दिया, ब्रैकेट के अंदर का कैलकुलेशन हो गया 1 + r / n, फिर यहाँ पावर t मल्टीप्लाई बाय n हमने कर दिया, और फिर इन दोनों का बीच का पावर निकाल। अब पावर क्या है समझ में आया, तो सबसे पहले जानिए कि मैथमेटिकल सिंबल एक्सेल में कौन कौन से है। तो ये आपका मल्टीप्लाई है, ये आपका एडिशन है, ये आपका सब्ट्रैक्शन है, उसके बाद ये आपका डिवाइड है, एक और है पावर। ये कहां से आता है, शिफ्ट के साथ 6 दबाएंगे तो ये आपको आएगा, शिफ्ट के साथ 6 दबाएंगे, ठीक है ना। क्लियर है, स्क्वायर निकालता है, जैसे मान लीजिए 10 स्क्वायर है तो हम 10 स्क्वायर 2 कर देंगे तो 100 आ जाएगा, ठीक है। अरे बस सर,
अब तो हमने रिजल्ट, अब यहाँ पे लास्ट में p मल्टीप्लाई वाई ये हमारा रिजल्ट कर देते हैं, p को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो रिजल्ट आपके सामने 58,000 आ गया। अमित जी गुड मॉर्निंग, तो रिजल्ट हमारे सामने ये आ गया। अब प्रॉब्लम ये है कि मैं हम जो रिजल्ट जो लेना चाहते हैं ये रिजल्ट नहीं लेना चाहते, ठीक है, तो यहां पे नहीं, मुझे यहां पे एक सेल में चाहिए। अब इस रिजल्ट के लिए हमने देखा कि इतने सारे लंबे कैलकुलेशन हमने किए, इतने सारे लंबे कैलकुलेशन हम नहीं करना चाहते, समझ गए। इतने सारे लंबे कैलकुलेशन हम नहीं करना चाहते, तो इसको चलिए मर्जिंग करना चाहते हैं, एक सेल के अंदर एक सेल के अंदर डालते हैं। तो हम यहां से इसको कॉपी करते हैं, हम इसकी यहां पे इसकी फॉर्मूला कॉपी करते हैं, और यहां किसका फॉर्मूला कॉपी किया है, C15, और यहां C15 पे इसका फॉर्मूला हम पेस्ट कर देते हैं। लेकिन पेस्ट करते समय हमेशा ब्रैकेट के अंदर में ही पेस्ट करेंगे, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर, ये चीज ध्यान रखिएगा कि ब्रैकेट के अंदर में ही पेस्ट होना चाहिए। और फिर इसी को कॉपी करते हैं, वन बाय वन कॉपी कर लेते हैं। मैं थोड़ा सा टाइम इसलिए ले रहा हूँ ताकि आप लोग देख सके ध्यान से, मैं रुक जाता हूँ। अब यहाँ पे गलत कर दिया तो रिजल्ट मेरा चेंज हो गया, तो इसको लिया, इसमें कॉपी कर दिया, और इसको कॉपी करता हूँ, और यहाँ इसमें चेंज होगा एफ के अंदर, तो एफ में हमारा D15 है, तो D15 के जगह पे D15 का फॉर्मूला हम पेस्ट कर देते हैं, और फिर ए है यहाँ पे B15, तो B15 का फॉर्मूला लेते हैं और E15 के ऊपर इसको पेस्ट कर देते हैं, कॉपी किया और इसका फॉर्मूला हम इसके ऊपर पेस्ट कर देते हैं। ओके, और फिर इसको कॉपी करता हूँ, और यहाँ जी है F15, A15 की जगह पे A15 का फॉर्मूला मैं पेस्ट कर देता हूँ, और फिर इसको कट करूँगा और जहाँ डालना है वहाँ डाल दूंगा, ओके, और मैं इसको डिलीट कर दूँ, कोई फर्क नहीं है, याद रखिएगा कट, इसको जो आप कॉपी करके नहीं पेस्ट करेंगे, यहाँ आप कट करके पेस्ट करेंगे, ठीक है, कट करके पेस्ट करेंगे। चलिए एक और एग्जांपल हम आपके साथ डिस्कस करते हैं, एग्जांपल है कि मेरे पास एमआरपी है, मुझे एमआरपी निकालना है, और किसी प्रोडक्ट का कॉस्ट जो है वो कॉस्ट है मान लीजिए 50, तो एमआरपी क्या होगा। अब मैनुअली निकालने की बात करें तो हम सबसे पहले 50 को मल्टीप्लाई करते हैं 5%, मतलब 50% का 5% डिस्ट्रीब्यूटर लेता है, सॉरी वो मैन्युफैक्चरर लेता है, और अपने में ऐड करके डिस्ट्रीब्यूटर को दे देता है। फिर डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है कि अपने खरीद पे वो 10% ऐड करता है और वो दे देता है होलसेलर को,
होलसेलर क्या करता है कि अपने खरीद पे 15% ऐड करता है और दे देता है रिटेलर को। रिटेलर क्या करता है, अपने खरीद का 20% ऐड करता है और दे देता है किसको, कस्टमर को। तो ये फाइनल प्राइस हुआ, ये कस्टमर की प्राइस हुई। तो इसको अब एक सेल कॉपी करते हैं। और यहां C17 पे पेस्ट कर देते हैं। पूरे कॉपी करते हैं, यहां पे C19 है ना, C19 के ऊपर ब्रैकेट में इसको पेस्ट कर देते हैं। कुछ गलत होगा तो पूरा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। फिर वापस इसको कॉपी करते हैं और C20 के ऊपर यहां भी C20 है तो इसको भी यहां भी हम ऐड कर देते हैं। और फिर यहां पे आते हैं, इसको कॉपी करते हैं और यहां B19 के ऊपर हम पेस्ट कर देते हैं। फिर इस D19 को कॉपी करते हैं। अब देखते हैं कैसे से फॉर्मूला हमारा बड़ा होते जा रहा है और यहां पे इसको पेस्ट कर देते हैं। यहां है D20, हम यहां भी इसको पेस्ट करते चले जाते हैं और फिर वापस इसको कॉपी करते हैं। और यहां E15 को हम पेश कर देते हैं, ठीक है। और फिर वापस हम E15 को कॉपी करते हैं और यहां पे E20 को, यहां E20 भी है तो यहां भी इसको हम पेश कर देते हैं। फिर मैं इसको वापस कॉपी करता हूं, यहां F19 के जगह पे हम पेस्ट कर देते हैं, राइट। अभी जैसे कि अभी इसको मैं डिलीट करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब देखिए, आप इतनी बड़ी कैलकुलेशन आप मैनुअल नहीं कर पाते, मैं भी नहीं कर पाता मैनुअल। आगे अच्छा बताऊंगा मैं आपको, इसको कट करके यहां रखिए। वो फॉर्मूला सिंपलाइजेशन में हम बात करेंगे कि हम फॉर्मूला को रख लें ताकि कहीं भी अप्लाई कर सके। वो नेम मैनेजर के थ्रू होता है, वो आगे क्लास में बताऊंगा, ठीक है, क्लियर है। और किसी को डाउट, समझा आपने? देखिए, इसमें बताने का तरीका है कि हम फॉर्मूले को 1 by 1 by 1 इस तरह से करेंगे, ठीक है ना, उसको कॉपी पेस्ट कर देंगे। जैसे मान लीजिए कि यहां है कि ये ए आपका, सिंपल समझिए ना कि ए हमने क्या किया हुआ है कि ए हमारा 30 है, तो हमने क्या किया, इसमें हमने 30 किया, फिर इसके रिजल्ट में मैंने यहां पे मल्टीप्लाई बाई 9 किया। सबसे पहले हमने प्लस 30 किया, फिर मल्टीप्लाई बाई 9 किया, अलग अलग किया ना सर। अब I19 जो है फॉर्मूला, मान लीजिए कि I19 ये है 70 + 30 पे आया हुआ है, तो जो 70 + 30 है इसको कॉपी कर लूंगा मैं और फिर यहां जहां सेल है हमारा I9 इसको हम ब्रैकेट में पेश कर देंगे।
कर दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे ही यहाँ पे जो है i10 मल्टीप्लाई पे 9 है, तो अब i10 में क्या रिजल्ट है, ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को हम कॉपी कर लेते हैं और डायरेक्ट यहाँ i9 की जगह पे डाल देते हैं, ठीक है। तो ए कैलकुलेशन अब एक साथ ऐसे लिखेंगे तो कहीं पे ब्रैकेट छूट सकता है या ब्रैकेट गलत लग सकता है, ठीक है। तो मुझे आप लोग कैलकुलेशन कीजिए, मुझे इसके 30 से 40 शीट्स लगा के बना के बताइए, ठीक है, या 10 ही चले, 30 चले तो बहुत हो गया, 10 मैथमेटिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करके मुझे भेजिए, 10 मैथमेटिकल फॉर्मूला हो जाएगा ना।